देश में इस समय पांच राज्यों में विधानसभा के लिए आम चुनाव होने के संबंध में ये भी कहना चाहूंगी कि अभी तक मैंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में दो राज्यों में अर्थात छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभाएं की हैं और इन दोनों राज्यों में से अभी छत्तीसगढ़ राज्य में वोट पड़ चुके हैं और इसके बाद अब इसी महीने 28 नवंबर को मध्य प्रदेश में भी वोट पड़ जाएंगे और मुझे छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश स्टेट में वहां मेरी चुनावी जनसभाएं होने के बाद ऐसा लग रहा है कि इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इस बार कतई भी वहां सत्ता में वापस आने वाली नहीं है और ना ही अब आगे देश में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में भी ये पार्टी केंद्र में अपनी सरकार की विफलताओं की वजह से फिर से सत्ता में वापस आने वाली नहीं है और इस बात का एहसास खुद बीजेपी व आरएसएस तथा केंद्र में इनकी सहयोगी पार्टी खासकर शिवसेना को भी है। इसलिए अब ये पार्टी एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही अपनी विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अयोध्या में पर्दे के पीछे से खासकर अपने साधु संतों आरएसएस व शिवसेना आदि को आगे करके वहां बड़े पैमाने पर राम मंदिर निर्माण कराने का अभियान चलाए हुए हैं, जबकि ये मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित पड़ा है। इसलिए इस मुद्दे को इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही निपटाना चाहिए तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ऐसी मेरी इनको सलाह भी है। धन्यवाद।